प्रेशर मिल रहा है आरजेडी की तरफ से। देखिए यहाँ पर एक चीज और समझना होगा कि इधर कांग्रेस को प्रेशर मिल रहा है आरजेडी की तरफ से कि नहीं भाई पलामू चतरा से तो हम उतारेंगे, उधर जो है कई सीटों पर जहाँ जैसे लोहरदगा हो गया और धनबाद हो गया, ऐसे में कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है इंडी गठबंधन में। तो क्या समझा जाए कि कैसे जो वैचारिक जो मतभेद है जो इस वक्त हो रखे हैं उसको कैसे एक करेंगे, कैसे इन मतभेदों को दूर किया जाएगा, क्योंकि भाई जो कार्यकर्ता है अगर उनको उनके हिसाब से कैंडिडेट नहीं मिला तो फिर वो उनके अगेंस्ट जाकर वोट कर देंगे, तो ऐसे में उन कार्यकर्ताओं को कैसे समझाएंगे। में गिरिनाथ सिंह 5 साल के बाद घर वापसी की है, यानी कि राजद का दामन थामे लालू प्रसाद यादव से उन्होंने मुलाकात किया है और ऐसे में यही कहा जा रहा है कि चतरा से राजद ही चुनाव लड़ सकती है। और मैंने आपको पहले ही कहा कि पलामू में ममता भुइयां लगातार जनसभा को संबोधित कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कांग्रेस का अगला स्टेप क्या होगा, क्या कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज करेगी या फिर कांग्रेस तमाम चीजों को देखेगी, आकलन करेगी, उसके बाद ही कोई निर्णय लेगी। देखिये फिलहाल कांग्रेस की ओर से 4 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है और ऐसे में कांग्रेस की ओर से लगातार कह सकते हैं कि राजद के तमाम जो नेता है या फिर लालू प्रसाद यादव की बात कर लेंगे तो लगातार कांग्रेस जो है वो लालू प्रसाद यादव से बातचीत इसलिए भी कर रही है ताकि उन्हें ये बताए, ये समझाए कि कांग्रेस राज्य में यानी कि झारखंड राज्य में 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। और ऐसे में कांग्रेस की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस 7 से 6 सीट पर नहीं आएगी। बिहार में भी आपने देखा होगा कि मैंने आपको पहले कहा कि जिस तरीके से अब पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ठान लिया, नामांकन भी उन्होंने कर लिया, लेकिन इससे पहले यही कहा जा रहा था कि पूर्णिया में शायद कांग्रेस को टिकट मिल सकता है। और ऐसे में अब अगर झारखंड की बात करेंगे तो चतरा और पलामू में कुछ इसी तरीके से सिनेरियो जो है वो देखने को मिल रहा है, क्या फ्रेंडली फाइट होगी या फिर राजद जो है वो कांग्रेस को तमाम चीज़ों को समझाने में समर्थ कह सकते हैं कि तमाम चीज़ों को समझाने में क्या क्या करता है ये तो राजद ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस की ओर से लगातार यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस तमाम राजद के नेताओं से कॉन्टैक्ट में है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। अब देखिए यही कहा जा रहा है कि 7 तारीख को सूत्रों हवाले से ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि 7 तारीख को कांग्रेस की ओर से भी प्रत्याशी की नाम की घोषणा हो सकती है। अब देखिए कांग्रेस पलामू छोड़ती है या फिर चतरा छोड़ती है या फिर कांग्रेस बैकफुट में आती है ये तो समय बताएगा, लेकिन लगातार जो प्रेशर है वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल बिहार की तरह। तो कह सकते हैं कि अब कांग्रेस का अगला स्टेप क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जितने भी आला कमान है कांग्रेस के वो लगातार मंथन कर रहे हैं। दिल्ली में बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है, झारखंड से भी कई जो दिग्गज नेता है वो दिल्ली दौरे में है और वहाँ पर बैठकर ये विचार कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस का अगला स्टेप क्या होगा। देखिए हमने कई बार राजेश ठाकुर से बात की जो झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर क्या कांग्रेस आगे करने वाली है, विचार क्या कर रही है कांग्रेस, क्या कांग्रेस चतरा से चुनाव लड़ेगी या फिर पलामू से चुनाव लड़ेगी। तो उनका यही कहना है कि राजद को एक ही सीट मिला है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया जो फॉर्मूला इस बार अपनाया गया था उसमें राजद एक ही सीट पर चुनाव लड़ेगी। और ऐसे में अगर राजद लगातार ये दावा कर रही है कि राजद 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो फिलहाल कंफ्यूजन में है कि आखिर कांग्रेस को अगला स्टेप क्या लेना है। कई नेताओं से हमने बातचीत की, उनका यही कहना है कि जो पेच है वो कहीं ना कहीं पलामू और चतरा में ही फंसता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से कांग्रेस की ओर से अब तक 4 सीटों पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई है। इसके साथ ही अगर रांची की बात करेंगे तो रांची में पहले सुबोध कांत सहाय का नाम जरूर सामने आ रहा था, लेकिन जब से राम टहल चौधरी ने बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन थामा उसके बाद से राम टहल चौधरी का भी नाम सामने आ रहा था। अब ये कहा जा रहा है कि राम टहल चौधरी चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सुबोध कांत सहाय रांची से चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई और नया चेहरा जो है वो सामने आता है। तो कांग्रेस तमाम चीज़ों को देख रही है, उनका यही कहना है कि चीज़ों को इसलिए भी देख रहे हैं ताकि कोई अगर बड़े नेता जो है कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद भी मंथन जो है वो किया जाएगा। इसके साथ ही आज प्रेस वार्ता रखी गई थी कांग्रेस की ओर से, लगातार सभी लोग प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से सवाल पूछ रहे थे कि आखिर कांग्रेस की ओर से इतनी लेट क्यों हो रही है, आखिर इंडिया गठबंधन क्या सोच रहा है। तो उनका यही कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने हड़बड़ी में प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है, जिस वजह से उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया कि दुमका में सुनील सोरेन को बीजेपी ने टिकट दे दिया था उसके बाद वापस ले लिया, तो ये हड़बड़ी है और इंडिया गठबंधन ये हड़बड़ी नहीं करना चाहती है। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस की ओर से यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस पहले चीजों को देखेगी, आकलन करेगी, नेताओं से बात करेगी, उसके बाद ही कोई स्टेप जो है वो लेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो झारखंड के अंदर इंडी गठबंधन का अस्तित्व किस ओर जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि चलिए ठीक है हमने बात कर ली, सीट शेयरिंग पर बात हो गई, लेकिन क्या सीट शेयरिंग पर तो बात हो गई कि हम आपको इतनी सीट देंगे, लेकिन क्या ये बात नहीं हुई थी कि हम आपको यहाँ यहाँ की इतनी ये सीटें देंगे।
आखिर अगर ये बातें भी हुई होंगी तो फिर आखिर विरोध क्यों हो रहा है, फिर कई जगहों पर विरोध हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है फिर? देखिए, अगर इस सवाल का जवाब आप इंडिया गठबंधन के नेताओं से लेंगे तो फिर वो आपको ये जवाब देंगे कि देखिए, तमाम राजनीतिक दल जो है वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहता है, सभी के अपने संगठन हैं, सभी के अपने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके डिमांड होते हैं और उसके आधार पर वो पार्टी जो है अपने गठबंधन में डिमांड रखते हैं। यही बड़ी बात है कि देखिए कि गठबंधन में अगर फॉर्मूला तय होता है तो क्या फिर सबकी सहमति नहीं बनी थी? जो अभी हालात बने हैं इंडिया गठबंधन के, जो 14 सीटों का फॉर्मूला था उसमें था कि 7 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी, 5 सीट पर जेएमएम लड़ेगी, 1 सीट पर वामदल लड़ेगा और 1 सीट पर आरजेडी लड़ेगी। तो 14 सीटों का फॉर्मूला ऐसे तय था, लेकिन आरजेडी के तरफ से जो फॉर्मूला लाया गया उसमें यह आया कि चतरा और पलामू आरजेडी लड़ेगा, यानी कि 1 सीट मिला उनको और 2 सीटों पर दावेदारी है। तो फिर वो किसके कोटे से कम होगा? जेएमएम कोटे से 1 सीट कम होता है या फिर कांग्रेस के कोटे से कम होता है? बड़ा सवाल ये है। देखिए, कांग्रेस और जेएमएम में भी खींचतान की वजह जो है सीट चेंज करने को लेकर के हुआ। पहले तो बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका पर लड़ाई चली कुछ दिन, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि विधानसभा में जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में रहेगा और लोकसभा में केंद्र की बात है तो यहां कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगा। इसलिए 7 सीट कांग्रेस को मिला, 5 सीट जेएमएम को मिला। लेकिन अब इस 7 सीट और 5 सीट में कौन कहां लड़ेगा, इस पर कई सीटों पर पेच फंसता हुआ नजर आया, जिसमें कि सबसे पहले लोहरदगा सीट था, फिर पश्चिमी सिंहभूम था और फिर पूर्वी सिंहभूम का भी सीट है। इन सीटों पर उलटफेर और फेरबदल की जो बात चल रही थी, इसमें कहीं ना कहीं खींचतान जो है देखने को मिला है और यही वजह है कि इतना लंबा वक्त जो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा में लग रही है, ये जरूर बताता है कि भाई एक सहमति जो है अपने नेताओं से पहले बनाई जाए। जो फिर अगर ये कंडीशन आया है कि पूर्वी सिंहभूम को कांग्रेस छोड़ने को तैयार नहीं है, पश्चिमी सिंहभूम में भी कांग्रेस अपनी दावेदारी दे रही है, तो क्या दोनों सीटों पर जेएमएम को ही लड़ने दिया जाए या फिर कांग्रेस को ही लड़ने दिया जाए? ये तमाम बातें जो है कल जो पहले जेएमएम के विधायक दल की बैठक है उसमें चर्चा होगी, फिर उसके बाद कांग्रेस के नेता भी दिल्ली जा रहे हैं, वो अपने आलाकमान से निर्णय लेंगे कि आखिर ऐसी परिस्थितियां अगर आती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें जो चतरा और पलामू का बात है, क्या पलामू में फ्रेंडली फाइट होगा, वहां फिर कांग्रेस भी उम्मीदवार पूर्णिया की तरह देती है, या फिर एक तरह से कहें तो कांग्रेस अपना कदम जो है पीछे लेगी, यानी कि 7 सीटों के बदले 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? तो अच्छा करिश्मा, देखिए लकीर जो है काफी गहरी खिंच गई है। बात करें, इधर बात हो रही है तो सीएम मिल जाते हैं, पूर्व सीएम से मिलते हैं, उधर अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस के भी जो नेता हैं अपने आला कमान से मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह से सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है, तो ये जो लाइन है खिंच गई है जेएमएम और कांग्रेस के बीच में, चाहे जितना कह लें कि नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन एक लाइन खिंची है। अब इस लाइन को तो किसी तरह तो हटाना पड़ेगा ना, इसीलिए आप देखिए बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं लोग। तो क्या समझा जाए कि जो इंडी गठबंधन है इस बार जो दमखम के साथ लड़ भी पाएगी या फिर सिर्फ इसी माथा पच्ची में रह जाएगी और लास्ट लास्ट तक प्रत्याशियों की घोषणा करेगी? दिल्ली में बैठक हो रही है, झारखंड के कई जो दिग्गज नेता है वो यहाँ से पहुँच रहे हैं, मंथन जो है लगातार जारी है। और ऐसे में अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे तो जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक संदेश भिजवाया था चंपई सोरेन के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं को कि कोई भी जो नए लोग हैं, जो नए नेता है उन्हें टिकट ना मिले, जो पुराने नेता है जो लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हैं उन्हें टिकट मिले। और ऐसे में अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस की ओर से भी लगातार मंथन जो है किया जा रहा है, आला मान से तमाम जो नेता है वो मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें राज्य में जो हो रहा है उसे अवगत कराने की भी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये जरूर कहा जा रहा था एक फॉर्मूला जो है वो तैयार किया गया था 7-5-1-1, और ऐसे में अगर सहमति बनती, अगर उस वक्त तमाम लोगों से पूछा जाता या फिर राजद से एक बार फिर से बातचीत होती या फिर बैठक जो है वो अलग से की जाती तो शायद ये नौबत जो है वो नहीं आती, क्योंकि राजद से अगर पूछा जाता तो राजद उस वक्त भी यही बोलती कि राजद जो है 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अचानक से ये जो सिनेरियो जो क्रिएट
हो रहा है, ये अचानक से नहीं हुआ है। अगर राजद लगातार ये दावा कर रही है कि राजद जो है जो दो सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, तो इससे पहले अगर तमाम लोग बैठकर बातचीत करते, एक बैठक होती, तो शायद इसका निष्कर्ष निकल जाता, शायद इसका सोल्यूशन जो है वो निकल जाता और ये नौबत नहीं आती कि कांग्रेस को यहाँ पर, कांग्रेस की ओर से यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, कांग्रेस सिटिंग सीट से कॉम्प्रोमाइज़ कर ली है, कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से यही कहा जा रहा है कि 5 सीट पर ही झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव जो है वो लड़ेगा और ऐसे में जेएमएम भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। अब सवाल ये उठता है क्योंकि लेफ्ट की ओर से यानी कि माले की ओर से उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है, विनोद कुमार सिंह जो फिलहाल बगोदर के विधायक हैं उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर कॉम्प्रोमाइज़ कौन करेगा? अगर तमाम लोगों के बीच में ही तालमेल नहीं बैठ पा रहा है तो किस तरीके से चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा? क्योंकि एक और यही कहा जाता है कि ये लोग सब इंटैक्ट है, सब लोग एक साथ है, लेकिन जब सीट शेयरिंग के साथ साथ प्रत्याशी के नाम की घोषणा होती है या फिर प्रत्याशी का जिक्र होता है तब कहीं ना कहीं अनबन जो है वो देखने को मिलता है। तो इसी चीजों को सुधारने की जरूरत होगी इंडिया गठबंधन को, क्योंकि इनका यही कहना है कि इस बार इंडिया गठबंधन पूरे दमखम के साथ जो है वो चुनावी मैदान में उतरेगी, लेकिन जब सीट शेयरिंग की बात होती है तब जेएमएम अलग राग नापता है, कांग्रेस अलग राग नापती है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर तालमेल कैसे बैठेगा? लगातार आलाकमान से कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता है वो दिल्ली में बैठकर बात का जिक्र करते हैं, दिल्ली में बैठक रखते हैं और उसके बाद यही कहा जाता है कि अब तक जो मंथन है वो पूरा नहीं हुआ है, तो सवाल ये उठता है कि कब होगा? मदन, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और भी है समझने वाली बात है कि यहाँ पर जब सीट शेयरिंग की बात हुई तो भाई जब आरजेडी को एक सीट दे दी गई, उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरजेडी को ये कहना पड़ रहा है कि हमें 2 सीटें चाहिए और हम 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में क्या गिरिनाथ सिंह ने जैसे ही आरजेडी का दामन थामा कि आरजेडी को लगा कि नहीं भैया अब 2 सीटें तो चाहिए ही होगी, वरना फिर गिरिनाथ सिंह को हम जगह कहाँ देंगे? क्योंकि अगर आपको एक सीट पर आपत्ति थी तो आप पहले भी बोल सकते थे, ये अब उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। देखिए ऐसा नहीं है, 2 सीटों पर दावेदारी आरजेडी की पहले से थी। अगर आप चतरा और पलामू की बात देखें तो जो हालात बदले हैं वो गिरिनाथ सिंह के नाम जो आए हैं उस पर जोर इसलिए हुआ है क्योंकि बीजेपी ने वहां पर उलटफेर किया है। जो राजपूत उम्मीदवार वहां से क्षत्रिय होते थे उसका बदलाव किया है। सुनील सिंह 2 बार वहां सांसद रहे, इस बार उनका नाम काटा गया और नए कालीचरण सिंह का नाम आया। तो ऐसे में क्षत्रिय को आरजेडी एक तरह से उम्मीदवार बनाने के लिए, वहां पर क्षत्रियों के वोट पाने के लिए सीधे तौर पर गिरिनाथ सिंह का नाम जो है सामने लाया है आरजेडी, और इसीलिए बीजेपी का दामन छोड़कर गिरिडीह में एक तरह से चतरा के लिए जो गिरिनाथ सिंह है उन्होंने आरजेडी का दामन थामा है। लेकिन फिलहाल कई और भी नाम हैं, अरुण कुमार सिंह, सुधीर कुमार सिंह, कई ऐसे नाम हैं जो आरजेडी के नेता के तौर पर सामने आया है जो कि उम्मीदवार बनना चाहते हैं चतरा से। सबसे पहले सत्यानंद भोक्ता ने ताल ठोका था वहां से, वो कह रहे थे कि हमने तो चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है, लेकिन फिर आलाकमान की तरफ से उन्हें रोका गया, तब जाकर वो रुके और फिर ये माना जा रहा है कि चतरा से गिरिनाथ सिंह को ही उम्मीदवार बना सकती है। तो बीजेपी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा के बाद जरूर समीकरण बदला है और उसके बाद गिरिनाथ सिंह का एक तरह से जो है आरजेडी में वापसी हुआ और फिर वो जो है उम्मीदवार बनने के लिए लगातार अपना संपर्क जो है आला नेताओं से बना रहे हैं। अब देखना होगा कि चतरा कांग्रेस के खाते में जाती है या पलामू कांग्रेस के खाते में जाती है या फिर दोनों आरजेडी के खाते में रहती है और गिरिनाथ सिंह और ममता भुइया को दोनों जगहों से उम्मीदवार बनाया जाता है। ठीक है मदन, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें जेएमएम ने अपनी जो है आज पहली लिस्ट जारी कर दी है, 2 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दुमका से नलिन सोरेन को टिकट मिला है, गिड़ी से मथुरा प्रसाद महतो को टिकट दिया गया है।